उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में विकास कार्यों की बैठक में जनपदों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों के साथ मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात ने बैठक की। समस्त जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और समस्त ACS उनके समक्ष मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में कानपुर देहात जनपद की मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे को ये मौका मिला। ये जनपद के लिए गौरवान्वित होने की बात है। उपरोक्त के तहत मुख्य विकास अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के मेरा गाँव मेरी धरोहर के प्रोजेक्ट को मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि मेरा गांव मेरी धरोहर को तीन घटकों में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें परौख गांव को लिया गया है। इसमें संवाद के माध्यम से विकास की ओर लोगों को अग्रसर किया जा रहा है। इसी प्रकार परौख गांव में अमृत सरोवर, मांडल आंगनवाड़ी, स्मार्ट क्लास, अमृत वाटिका, ओपन जिम आदि को पूर्ण रूप से विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से गाँव के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वही उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 11 से 17 अगस्त के मध्य आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने के लिए हर घर तिरंगा लगाए जाने के चलते स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को झंडा निर्माण हेतु प्रशिक्षण भी दिया गया। वहीं मुख्य सचिव ने जनपद में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की तथा मुख्य विकास अधिकारी के लिए इस प्रयास के लिए बधाई दी और जनपद में विकास कार्य कराए जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिलाधिकारी नेहा जैन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व JP गुप्ता, जिला विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, जिला पंचायत राज अधिकारी नमिता शरण आदि अधिकारी गण उपस्थित रहे। विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। सर, ये आपकी विजिट भी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी सर आए थे तो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था सर इस आंगनवाड़ी को। नेक्स्ट स्लाइड। सर, आरोग्य गांव के अंतर्गत फिट इंडिया गांव बनाए गए हैं सर। इसमें मैं बताना चाहूंगी सर, लेफ्ट साइड जो फोटो है, पहले यहाँ कब्जा हुआ करता था सर, ये स्कूल के बाउंड्री वॉल के पीछे बहुत बड़ी जगह थी, मलबा पड़ा हुआ था, इसे हटा के सर एक खेल का मैदान डेवलप किया गया सर। इसमें जो वॉलीबॉल स्टैंड है सर, उसमें रीयूज हैंड पाइप्स यूज की गई है, तो बहुत लो कॉस्ट नो कॉस्ट मॉडल पे सर ये खेल का मैदान डेवलप हुआ है। राइट साइड सर हमारा ओपन जिम है, जो सर मैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से बिफोर आफ्टर फोटोज दिखाना चाहूँगी। सर, लेफ्ट साइड में कब्जा युक्त हमारा खेल का मैदान है और राइट साइड में हमारा जो एक्चुअल खेल का मैदान है। इसी तरह सर घूर पड़े रहते थे, अब वहाँ पे ओपन जिम बना है सर, और ओपन जिम में शाम को 500-600 लोगों की भीड़ होती है सर। ये गाँव सर अमृत गाँव भी है, अमृत सरोवर, अमृत वाटिका और अशोक स्तंभ भी बनाए गए हैं। इसी तरह से रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए देहाती ब्रांड को प्रमोट किया गया सर, जिसमें बुकनू मसाले और टेलरिंग यूनिट की तरह सर हमारा ये मिलन केंद्र जो था, जो पैतृक उनका स्थान था सर राष्ट्रपति जी का, वो बनाया गया है सर। सर, ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज भी उस सेंटर पे सर तिरंगे बनाए जा रहे हैं और हर घर तिरंगा के 3 लाख झंडे हमारे उस सेंटर्स और